Today, we will start exercise 10b of chapter arithmetic progression, that is AP from Salina Publications. First, sum in an AP, 10 times its 10th term is equal to 30 times its 30th term. Find its 40th term. Yes. Uh, स्वाति हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट गिवन है ना उसको जेबरी के लिए मैं क्या लिखूं टेन टाइम्स द टेंथ टर्म इज इक्वल टू थर्टी टाइम इटी टर्म यस, स्वाति आर यू लिसनिंग स्वाति यस बच्चे स्टेटमेंट गिवन है अल्जेब्रिकली मैं उसको क्या लिखूं टेन टाइम्स द टेंथ टर्म अर्शिया यस सर यस बच्चे बट आई हैव टू राइट डाउन टेन टाइम्स द टेंथ टर्म इज इक्वल टू थर्टी टाइम्स द थर्टी टर्म समय टेन टू ए टेन टेन ए टेन

भावना ए टेन का फॉर्मूला ए प्लस नाइन डी ए प्लस नाइन डी थर्टी निधि ए थर्टी निधि ए थर्टी बच्चे माइनस ट्वेंटी नाइन ए प्लस ट्वेंटी ए प्लस माइनस नहीं ट्वेंटी नाइन डी ओपन द ब्रैकेट सॉरी टेन इंटू ए टेन ए प्लस टेन इंटू नाइन टी नाइनटी डी थर्टी इंटू ए थर्टी ए प्लस ट्वेंटी नाइन थ्री सावन डी सारी टर्म्स को बच्चे एक साइड पे ले जाओ इसको उस साइड ले जाओ या जा इसको इस साइड ले जाओ किसको लेके जाए टेन ए प्लस नाइनटी डी को एक साइड पे रहने दो थर्टी ए को बच्चे इस साइड ले आओ एट सेवन को माइनस थर्टी एट माइनस ट्वेंटी ए माइनस एट सेवनटी प्लस नाइन्टी डी बट वी गेट सेवन एटी डी इक्वल टू जीरो माइनस ट्वेंटी बच्चे कॉमन यस हंसिका व्हाट इज लेफ्ट सर थर्टी नाइन डी ना यस सर देखो ट्वेंटी को थर्टी नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेवन एटी आएगा और माइनस कॉमन लिया तो इसलिए साइन चेंज हो गया टू जीरो निधि यस yes, सर माइनस ट्वेंटी उस साइड जाके कि प्लस ट्वेंटी हो जाएगा ना और नो यस नो अपॉन में जाएगा मल्टीप्लाई है माइनस ट्वेंटी सारे के साथ हाँ सर ध्यान रखा कर ठीक है ठीक है सर ए प्लस थर्टी नाइन डी जीरो अपॉन माइनस ट्वेंटी वी गेट जीरो माही टन वट इज ए प्लस थर्टी नाइन डी ए प्लस थर्टी नाइन डी क्या होता है बच्चे सर आई एम ए प्लस थर्टी नाइन डी थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डाल वट इज दिस ए फोर्टी नहीं होता यस yes, सर ए फोर्टी का फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस थर्टी नाइन ना हाँ सर आ गया तो ए प्लस थर्टी नाइन को ए फोर्टी भी लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली देखो बच्चे हमारे पास ए फोर्टी की वैल्यू आ गई ए फोर्टी 40 मतलब फोर्टी टर्म आ गई दिस इज द आंसर यही हमने फाइंड करना था फिर से देखो एक बार इट इज सो इजी जो चीज बच्चे उन्होंने हमें गिवन है दे हैव गिवन टेन टाइम्स द टेंथ टर्म इज थर्टी टाइम्स द थर्टीएथ टर्म 10 a 10 a plus 90, 30, a 30, a plus 20, 90. Multiply these two, multiply these two. All the terms have to taken in one side 10 a plus 90 d as like 30 a minus ka, 870D minus 870 d minus 10 a minus 30 a minus 20 a 90 d minus 870 minus 780. Minus 20 is common. What is left a plus 30, 90. Minus 20 becomes downwards, multiply. ए प्लस थर्टी नाइन डी इजिकल टू जीरो आंसर आ गया बच्चे हमारे पास तो ए फोर्टी आ गया वही हमने फाइंड करना था किसी को डाउट कोई इस सब में हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री कितने टू डिजिट नंबर थ्री से डिविजिबल हैं कनिष्का फर्स्ट टू डिजिट फर्स्ट टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय थ्री सॉरी बच्चे समझ नहीं आया क्या बोल दिया सर ऊपर का दिखा दीजिए इस बार लो जी ऊपर का देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट लेना था हाँ सर हाँ सर सॉल्व नहीं करना अपने आप बना बनाया मिल जाए बस है हाँ ना सर आपने तो बोला था आज क्लास नहीं लगेगी कब बोला है मैंने सर मैसेज भेजा तो था टुडे नो क्लासेस देयर एट फाइव एंड एट नो थोड़ा लिखा है वहां पे देयर इज क्लास मैंने कब लिखा है नो बीच में तो uh, नौ no, लिखा no, था आपने लेकिन तो ना, वो वे में पुछ... नहीं लिखा नहीं अच्छा नौ टुडे क्लास इज एट मतलब टू ओ जो क्लास थी ना उसके लिए लिखा था तो समझ गया समझ गया यस ओके फर्स्ट टू डिजिट नंबर इज ट्वेल्व विच इज डिविजिबल बाय थ्री भावना सेकंड नंबर

हाउ मेनी सॉरी वीव टू फाइन कैलकुलेट एन जहां पर बच्चे आ जाए हाउ मेनी टर्म्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है वहां पर हमने क्या कैलकुलेट करना है एन अब खुशी टंडन खुशी टंडन खुशी रस्त होगी वट इज द वैल्यू ऑफ ए थ्री चाटा खाना है कितना आएगा सर माइनस कहाँ से आ गया था वो मैंने कुछ और देख लिया था व्हाट इज दिस नाइन्टी नाइन क्या है सो एल एल और एन बच्चे ना होव टू कैल्कुलेट ए एन इज नाइंटी नाइन समृद्धि ए एन का फॉर्मूला समृद्धि वट इज द फॉर्मूला फॉर ए एन याद नहीं सदाफ समझ सदाफ सा ए सा ए इनटू एन माइंस वन डी ए प्लस प्लस एन माइंस वन डी यस ए प्लस एन माइंस वन इनटू डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टwelve प्लस एन माइंस वन इज लाइक डी थ्री इज नinety nine यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बच्चे मैं ट्वेल्व प्लस थ्री इंटू एन थ्री एन माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइनटी नाइन ट्वेल्व में से थ्री माइनस प्लस थ्री एन इज 99। नाइन थ्री एन इज 90 माइनस नाइन थ्री एन इज नाइन सॉरी नाइनटी नाइन माइनस नाइन माइनस। नाइंटी अपॉन थ्री कट किया थर्टी एन इज थर्टी इज द आंसर इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब मैंने 99 लिखा था एक बच्चे ने बोला था थर्टी आंसर किसने बोला था सर मैंने बोला माही टंडन बच्चे थर्टी हम सीधा नहीं लिख सकते ओके यस वी हैव टू एक्सप्लेन दिस दिस लाइक वन किसी को डाउट हो बच्चे आगे करी यस सर थर्ड सम विच टर्म सॉरी विच टर्म ऑफ द एपी फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव

ऐसे प्रॉपर एक लाइन लिखनी है लेट एंथ एपी इज 130 मोर देन थर्टी फर्स्ट तो शिफा ये एक स्टेटमेंट है एंथ टर्म मैंने ले ली जो थर्टी फर्स्ट टर्म से वन थर्टी ज्यादा है मोर मतलब देन वट आई टू राइट डाउन यस बच्चे algebraically बताओ मैं क्या लिखू शिफा नो वॉइस इज कमिंग प्रियांशी सर एन इक्वल वन थर्टी प्लस एन ए थर्टी वन प्लस वन थर्टी एक ही बात है देखो बच्चे n टर्म 1 सेकंड n टर्म an इज इक्वल 130 मोर प्लस 130 किससे 31st टर्म से a31 में ऐड कर दिया यस yes, बच्चे अब बोलो सदफ सर so, हम a1 a169 so, नहीं नहीं लिख सकते हैं हाउ व्हाई व्हाई

जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसेब्रिकली लिखना है ये स्टेटमेंट गिवन होती है हमें हमने अल्जेब्रिकली लिखना होता है इज मतलब इक्वल वन थर्टी मोर मीन्स प्लस वन थर्टी किससे देन ए थर्टी वन थर्टी फर्स्ट टर्म का मतलब ए थर्टी वन अंडर स्टोड अब समृद्धि ए एन का फॉर्मूला ना बताया ना तो तेरी ऐसी की तैसी. ए प्लस ए. अभी किया था? लास्ट एर्म में ए माइनस वन ना ए प्लस एन माइनस वन अब याद रख रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओकेस्टोड निधि ए थर्टी वन सर ए थर्टी वन माइनस थर्टी ए थर्टी वन क्या हो गया तेरे को निधि सर ए थर्टी माइनस सॉरी प्लस थर्टी डी ए प्लस ए प्लस थर्टी बेटा ठीक okay. है सर ध्यान रखा कर बच्चे ऐसे नहीं ऐसे मैं कितना करवा दूंगा तुझे ए से जब ए को इस साइड लेके जाएंगे माइनस ए हो जाएगा ऐसे ही काट दू मैं यहाँ पे यस सर यस सर नाउ एंड वी हैव टू कैलकुलेट माइनस वन एज लाइक डी की वैल्यू टेन ए थर्टी इजिकल टू थर्टी डी की वैल्यू टेन प्लस वन थर्टी ना दिस वन वी टू कैलकुलेट एन एन माइनस वन इंटू टेन एज लाइक थर्टी इंटू टेन थ्री हंड्रेड प्लस वन थर्टी मैं सीधा फोर थर्टी लिख दू थ्री हंड्रेड प्लस वन थर्टी मैंने एक स्टेप खा लिया यहां पर एन माइनस वन फोर थर्टी टेन का आंसर आ गया नीचे दिस इज द आंसर, लास्ट में बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे ऑफ अब एपी वन थर्टी मोर देन थर्टी फर्स्ट टर्म ऐसे लाइन लिखनी है पूरी ओके okay?

अच्छा मैथ का ही है ना? मैथ का ही है ना यस सर ओके दीज आर द्री टर्म्स इन एपी कोई सीरीज एपी में कब होती है कॉमन डिफरेंस इज Yes, when कॉमन डिफरेंस इज सेम एपी means arithmetic progression में कब होती है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो मतलब दिस माइनस दिस मतलब d1 is equal to d2. D1 किसके इक्वल A2 माइनस A1 एंड D2 किसके इक्वल A3 माइनस A2 दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दोनों आपस में इक्वल A2 की वैल्यू ये रही 2x प्लस p माइनस A1 की वैल्यू ये रही फर्स्ट टर्म x थर्ड टर्म 3x एक्स प्लस सिक्स सेकेंड टर्म A2 मतलब सेकेंड टर्म ये रही 2x एक्स प्लस

तो मैं यहाँ पे भी ऐसे काट सकता हूँ माइनस पी बिकॉम प्लस पी पी प्लस पी टू पी सिक्स एंड पी सिक्स निधि एक मिनट निधि यस सर टू साइड जाके माइनस होगा ना निधि बोलो बच्चे सर एक मिनट स्क्रीन गायब हो गया टू पी ए सिक्स then p 6 हाँ upon 2 करना डिवाइड होगा डिवाइड होगा बेटा मल्टीप्लाई है ना इस साइड हां सर 3 तेरी स्क्रीन गायब होगी नहीं तो तेरे ते ते चांटे पढ़ने थे अभी यस दिस इज द फोर्थ सम नाउ द फिफ्थ सम हां जी बेटा तो अगर हमें x ढूंढने को कहते थे तो कैसा करेंगे इसमें x इस फिर क्वेश्चन चेंज होगा सेम क्वेश्चन नहीं होगा ओके सर ठीक है ना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उनमें क्या एक्स <coughs> एक्सिस में फाइंड हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स से एक्स कट रहा है ओके दैट्स व्हाई नहीं तो वो एक्स ही बोलते इसलिए उन्होंने पी बोला है फाइंड करने के लिए एक्सक्यूज मी सो हां जी सर हैव टू लीव द क्लास व्हाई सर वी आर गोइंग समवेयर आउट छोड़ बाहर तो फिर भी चली जाएगी क्लास थोड़ा फिर लगेगी चली yes, चली जा सर ओके बेटा प्रोग्रेस आर फोर एंड माइनस एट थर्ड मतलब ए थ्री एंड नाइन्थर्म ए नाइन आर फोर एन माइनस एट विच टर्म ऑफ एट इज जीरोन इज जीरो ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एन को फाइंड करना है जब ए एन जीरो हो अंडरस्टोड ए थ्री शिफा यस सर ए थ्री का फॉर्मूला ए प्लस टू डी ए प्लस टू डी लास्ट में कौन छुटके बैठा है स्वाति बैठी है ना ओके प्लस टू डी इज फोर स्वाति a9 स्वाति a9 का फॉर्मूला। स्वाति तेरे से पूछा है बच्चे आज क्या हुआ है तेरे को सर कुछ नहीं सर वो नेटवर्क थोड़ा वीक है आज बस ये तेरा बहाना होता है a9 बताओ फटाफट यस सर यस सर बोल के चली गई फिर से पर मैं शौर्या प्लस एट डी इज इक्वल टू माइनस एट फर्स्ट इक्वेशन दिसकेंड इक्वेशन निधि दो इक्वेशंस हैं एंड में तो क्या करें कौन सा मेथड अप्लाई करें कि ए एंड डी फाइंड हो जाए प्लस एन माइनस वन डी हो नहीं बच्चे यहां पर ए एंडी फाइंड करना है ना तो Elimination by equating coefficient. Ninth class में किया था. Oh, sorry, sub था. भूल गई, नहीं थोड़ा हो रहा दो equations आ गई ना बच्चे हमारे पास ए ए प्लस टू डी फोर है ए प्लस एट डी माइनस एट की फॉर्म में है ना ए के कॉफिशंट ऑलरेडी सेम है तो कर दो. याद आया सिक्स चैप्टर था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू डी कल भी हमने सम कल भी किए थे सम इस टाइप के टू डी माइनस एट डी माइनस सिक्स डी एट प्लस फोर ट्वेल्व डी वी गेट ट्वेल्व अपॉन माइनस सिक्स डी की वैल्यू माइनस ऊपर चला गया माइनस टू आ गया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस टू डी की वैल्यू माइनस टू है अब देखो बच्चे फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ वापस. फाइंड एन मतलब विच टर्म इज जीरो मतलब एन फाइंड कर रहे विच टर्म आ गया ना वर्ड तो वहां पे एन फाइंड करने नहीं करना है जहां पे आ जाए विच टर्म हाउ मेनी टर्म्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा आ गया एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड एन उन्होंने क्या लिखा विच टर्म इज जीरो मीन ए एन जीरो पे बच्चे ए एन डी फाइंड कर लिए विच टर्म इज जीरो नाउ ए एन बिकम इक्वल टू जीरो समृद्धि ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी वेरी गुड एन माइनस वन इन टू डी ए की वैल्यू बच्चे हम एट कैलकुलेट कर चुके हैं ए के प्लेस पे एट आ जाएगा एन माइनस वन डी के प्लेस पे माइनस टू आएगा बट एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ ब्रैकेट डाल के सीधा डाल दोगे तो माइनस हो जाएगा अभी यहां मल्टीप्लाई है क्वल टू जीरो एट प्लस हलो माइनस टू से करेंगे माइनस टू एन प्लस टू इज जीरो माइनस टू एन प्लस टू एट एन एट माइनस टू टू एन प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस फोर टू क्या हुआ जीरो एट प्लस टू टेन माइनस टू एन इज जीरो माइनस टू एन एज लाइक टेन बिकम माइनस टेन माइनस से माइनस कैंसल एन की वैल्यू क्या आ गई टेन अपॉइंट टू फाइव टर्म इज जीरो लास्ट में प्रेजेंटेशन ऑफ इज जीरो फिर से देखो हमें बच्चे उन्होंने दो चीजें दी हैं, थर्ड टर्म गिवन है उन्हें फाइव की करने क्या करने के लिए बोला है फाइंड n मतलब व्हिच टर्म व्हिच टर्म वर्ड आ गया तो n फाइंड करने है व्हेन an इज 0 व्हिच टर्म ऑफ द अपर एपी इज 0 मतलब वी हैव टू फाइंड n व्हेन an इज 0 फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को बच्चे सॉल्व किया a3 a+2d a9 a+8d दो इक्वेशन ऊपर नीचे लिख ली सबट्रैक्ट किया a एंड d फाइंड कर लिए एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट यू नो वेरी वेल अब उसके बाद बच्चे नाओ ए एन एजरो एन के प्लेस पे एन का फॉर्मूला ए एन डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं है, वहां से वैल्यूज फिल कर दी एंड वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन दैट इज द आंसर अंडरस्टोड डाउट नो वन हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिजिबल बाई एटी सेवन प्रिया फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर जो एटी सेवन पे डिविजिबल है सर कैलकुलेट करना पड़ेगा एटी सेवन टू डिजिट नंबर है इसको टू से मल्टीप्लाई करो तो पहला नंबर क्या आ गया थ्री डीज़ एक 174 आ गया सेकंड वन क्या आएगा 87 ऐड कर दो सर 261 सर 261 एंड ऑन लास्ट लास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे थाउजेंड को आ oh सॉरी 999 को रफ वर्क में 87 से डिवाइड करो 87 वन जस 87 9 में से 7 गए 2 1 129 वन टू ट्वेल्व में से एट गए फोर फोर्टी टू इसमें से माइनस कर दो फोर्टी टू रिमाइंडर बचा ना लेकिन आपने वन क्यों डाला एट्टी सेवन वन जो एट्टी सेवन ओ ओके सर डिवाइड करना भूल गई तू क्या हो गया तेरे को नो सर नथिंग सर मैंने सर वन थर्टी नाइन पढ़ा थर्ड फोर्थ क्लास में करना पड़ेगा तेरे को मेरे को लग रहा है हैं <laughs> mm -hmm. 19, 993. 42 कर दो बच्चे, बच्चे आ आ आ गया। तो लास्ट हमारे पास क्या गई? गई। वैल्यू ऑफ ए है सेवनटी फोर डी है माइनस करेंगे एटी सेवन आ जाएगा वट इज दिस फॉर्मूलाइन हंड्रेड फिफ्टी सेवन ए और डी की वैल्यूज पीछे फिल हो जाएंगी या और यहाँ एन कैलकुलेट हो जाएगा ना करूं इसको आगे न्यू स्टूडेंट निधि समृद्धि हां सर कर लोगे सर समृद्धि यस सर हो जाएगा यस सर ओके सेवन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एंथ टर्म ऑफ एपी दिस एंड दो एपीज हैं इक्वल फर्स्ट एपी इज मैंने लाइन इसलिए खींच ली कि दो टू ए पीज हैं फर्स्ट एपी क्या है बच्चे है हमारे पास सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन एंड ऑन सेकेंड एपी थ्री टेन सेवनटीन एंडस ऑन इसकी एंथ टर्म ए एन माही टंडन में फॉर्मूला भूल गया एंथ का ए प्लस वन n माइनस ए प्लस n माइनस वन इन टू नहीं पहले क्या बोल रही थी तू माही टंडन गलती से, से नंबर कट जाएंगे यस yes. खुशी रसोगी यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला yes, इसकी एंसर हम यहां से कैलकुलेट कर लो यहां से कैलकुलेट कर लो दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ए 63 है बच्चे फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी दिस माइनस दिस टू है कैलकुलेट दिस हाँ जी बेटा सर सिर्फ एंथ टर्म इक्वल है कि एन की वैल्यू भी इक्वल है एन की वैल्यू ही इक्वल है एंथ टर्म का मतलब वही हुआ ना किसकी no, मान लो थर्टी कोई बात नहीं अभी आने दे आंसर आने दे वैल्यू सेम है बच्चे एंथ टर्म की मतलब एन कौन सी टर्म की वैल्यू इक्वल है ये पूछा उन्होंने इसका मतलब ये हो गया इसकी कोई टर्म आएगी एक चंद एक मिनट हमें सोल्व कर लेने फिर तेरे को समझाता हूं मैं ए एन ये आ गए बच्चे यहां से ए एन ए की वैल्यू थ्री है बच्चे ये सीरीज प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू दिस माइनस दिस सेवन आएगी ए थ्री है यहां पर डी सेवन है यहां पर ए सिक्स थ्री है डी टू है सिंपली एन डी की वैल्यू फिल कर दी थ्री प्लस सेवन एन माइनस सेवन मींस ए एन कितना आ गया सेवन एन माइनस फोर आ गया सिंस एंथ टर्म ऑफ अबब ए पीज आर सेम दिया हुआ है ना इक्वल देखो बच्चे फिर से ये सीरीज थी और ये सीरीज थी कहती फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन हमने कैलकुलेट करने हैं फॉर विच एंथ टर्म इज इक्वल इसकी एंथ टर्म निकाल ली एन की फॉर्म में आ गई इसकी एंथ टर्म निकाल ली एन की फॉर्म में आ गई दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो दोनों को क्या कर दिया हमने इक्वल कर दिया एन की टर्म्स एक साइड पे टू एन बिकम माइनस

जो इसकी थर्टींथ टर्म आएगी और जो इसकी आएगी वो सेम होगी लग गया पता yes. Yes, मतलब yes. सिंपल है है कुछ भी नहीं इस सम के अंदर सिर्फ जैसे दिया है ना वो चीज कैलकुलेट की उन्होंने क्या बोला था फोर वट वैल्यू ऑफ एन एंथ एपीज दीज एपीज इसकी फॉर्म में आ गई इसकी एंथ टर्म एन की फॉर्म में आ गई दोनों को आपस में क्या कर दिया इक्वल कर दिया लीनियर इक्वेशन बन गई इसको तो सॉल्व करना आता ही है एन वाली टर्म्स एक साइड पे कांस्टेंट टर्म एक साइड पे ये तो बहुत छोटे होते से करते आ रहे हो और जिसको ये नहीं आता वो टेंथ में बैठने के लायक ही नहीं है है ना बोलो बच्चे हंसिका घूम yes. yes, भी आई तू बाहर नहीं सर माई फादर इज गोइंग

मतलब सेवन टर्म बड़ी है फिफ्थ टर्म से कितनी बड़ी है ट्वेल्व बड़ी so तो ट्वेल्व में हो 7 आएगी। yes, उन्होंने क्या बोला है फाइन करने के लिए एपी जब भी बच्चे एपी बोला हो तो क्या कैलकुलेट करना है ए वन ए टू एंड ए थ्री तीन टर्म्स फाइन करो एंड सोन थर्ड टर्म तो गिवन ही है वैसे ए थ्री सदफ ए प्लस टू डी ए प्लस टू डी फर्स्ट इसको बच्चे यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं चलो ए सेवन ए प्लस सिक्स डी ए फाइव ए प्लस फोर डी ट्वेल्व ओहो यहां प्लस है ए से ए कैंसिल हो गया डी वाली टर्म्स एक साइड पे सिक्स डी माइनस फोर डी ट्वेल्व टू डी इज ट्वेल्व एंड डी वी गेट सिक्स ट्वेल्व अपॉइन्ट टू सिक्स आ जाएगा ना डी की वैल्यू डी की वैल्यू यहां फिल कर दो, इन इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस टू डी के प्लस पे सिक्स क्योंकि ए प्लस टू डी था बच्चे ए प्लस ट्वेल्व ए सिक्सटीन एंड ए वी गेट ट्वेल्व सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व फोर ए फोर डी सिक्स दोनों टर्म्स आ गई ए वन निधि किसके इक्वल होता है ए वन ए के इक्वल दैट इज फोर ए टू खुशी गुप्त खुशी रसोगी ए वन के इक्वल है ना सर ए टू पूछा है मैंने ए टू का फॉर्मूलाइनसूडी ए टू क्या होता है खुशी रुस्त होगी मैं चौंटा लगाऊंगा तेरे खींच के फिर so, मैं एक्सपेंड करके बता रही थी पूरा तू क्यों एक्सपेंड कर रही थी जब मैंने बोला है कि एक्सपेंड करना ही नहीं है इसको सीधा लिखना है मैंने कहीं लिखा है कभी तो भी टू माइनस वन या थ्री माइनस वन हाँ जहां पे एन होता है एंथिटाम होता है वही लिखता हूं सिर्फ मैं वही लिखता हूं ना मत, कोई बात नहीं डांटने की आदत है मुझे बस तो घबराती नहीं है मुझे पता है फोर टेन सिक्सटीन एंड सोन इज द गया, समझे बच्चे ये शाम यस yes. yes, बस yes, यही मेन है स्टार्टिंग में इक्वेशन हम सही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है थर्ड टर्म बोला था वो तो सिंपल है जो यहाँ पे है यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय ट्वेल्व मतलब सेवन टर्म बिगर है किससे फिफ्थ टर्म से कितनी बिगर है ट्वेल्व तो ट्वेल्व फिफ्थ टर्म में एड होके सेवन टर्म आएगी अंडरस्टोड यस सर नाउ द नाइन्थ समाइन्थ सम बच्चे इस टाइप का सम हमने किया है पहले हमने फोर्थ सम किया था ना सेम टू सेम है इफ नंबर एन माइनस टू फोर एन माइनस वन एंड फाइव एन प्लस टू आर इन एपी ये तीन नंबर एपी में है स्वाति then how we can calculate n कैलकुलेट are you there no आज इसका नेटवर्क इशू है आज इसने गेम खेली होगी स्वाति ने पक्का नेटवर्क खत्म कर लिया है ना स्वाति चलो प्रियांशी यस सर सर हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल के इक्वल रख दें पहले इक्वल कर दो बस d1 इज इक्वल टू d2 कोई सीरीज ap में कब होती है जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है d1 a2 a1 d2 a3 a2 कैन यू कैलकुलेट दिस वन यस सर यस सर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने सीधा लिख दिया ए टू माइनस ए वन ए टू की वैल्यू फिल कर दी ए वन की ए थ्री माइनस ए टू एन कैलकुलेट हो जाएगा कर लोगे ना यस yes, सर, yes, yes. तो उसके बाद बच्चे एन वाली टर्म्स मतलब एन की वैल्यू इन तीनों में फिल कर देना फर्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगी एन की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करके इसमें कैलकुलेट कर लेना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ जाएंगी Yes. उसके बाद क्या बोला उन्होंने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड नेक्स्ट टू टर्म्स ए ए फोर और ए फाइव ए फोर का समृद्धि फॉर्मूला पाएंगे अपने हाथ से लड़ाई कर रही है ए फोर यस समृद्धि ए फोर समृद्धि बच्चे ए फोर का फॉर्मूला बोलो कनिष्का सर ए प्लस थ्री डी ए फर्स्ट टर्म जो आएगी वो डी दिस माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आएगा वो मतलब एन की वैल्यू फिल करने के बाद ए फोर हो जाएगा और ए फाइव निधि यस सर ए फाइव प्लस फोर डी

if a b c are in ap a b and c are in ap given hai show that 4a 4b and 4c are in ap matlab kisi koi ap hai usko same number उसमें add करें सारी terms में, same number से multiply करें, same number से divide करें all terms को. तो वो भी क्या होती है एपी में होती है पहला पार्ट ए बी एंड सी आर इन एपी ये लिख देना है मल्टीप्लाई टर्म विद फोर मल्टीप्लाई टर्म विद फोर वट वी गेट फोर ए फोर फोर बी एंड फोर सी आर इन एपी यही पहला पार्ट है बस हो गया सेकेंड फिर से स्टार्टिंग वाली लाइन लिख लो बच्चे ए बी एंड सी आर इन एपी अब प्लस फोर कर दो सारी टर्म्स में एडिंग फोर इन ईच टर्म ऊपर वाला समझ में नहीं आया बताता हूँ बच्चे फोर ऐड करेंगे ए प्लस फोर फर्स्ट टर्म सेकेंड बी प्लस फोर एंड सी प्लस फोर आर एन ए पी हो गया जब बच्चे कोई टर्म्स एपी में है ईच टर्म ईच टर्म मतलब हर एक टर्म को हर एक टर्म को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें जैसे यहां पे एबीसी आर एन एपी मैंने क्या किया मल्टीप्लाई ईच टर्म विद फोर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट फोर ए फोर बी फोर सी वो भी क्या होगा पी <coughs> में होगा आई समझ ऐसी ऐसी बच्चे सेकेंड एबीसी आर इन इच टॉर्म फोर एड किया तीनों में ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी प्लस फोर आर इन एपी हो गया ओके सिंपल एनफ है मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात को फॉलो करो कि kind जब कोई सीरीज एपी में है हर ईच टर्म को बच्चे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें वे आल्सो गेट द एपी ईच टर्म को सेम नंबर से डिवाइड करें वी गेट द एपी ईच नंबर को सेम नंबर ऐड करें वी गेट द एपी एज लाइक दिस वन फोर ऐड किया था सेम नंबर करें दैट देन आल्सो वी गेट द एपी अंडरस्टूड

हाँ हाँ क्यों है ना मान लो निधि तेरा रोल नंबर तुम्हारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तेरा रोल नंबर 50 है मैं तेरे को बोल दूं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 एंड निधिस रोल नंबर इज लास्ट तो निधि का रोल नंबर कितना होगा 50 होगा ना यस सर सेम हियर टोटल टर्म्स बच्चे 57 है एंड लास्ट टर्म इज 108, तो so 57 टर्म ही होगी ना 108. यस सर एंड फाइंड 45th टर्म ए वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल एन एफ निधि ए सेवन निधि ए सेवन का फॉर्मूला ए प्लस सिक्सटी सिक्सटी क्या सोचने सुच, लग जाती है द, ए 57, खुशी रसोगी खुशी ने ना लड़ाई लड़ूई करके बस ऑन करके बैठ गई है ना लड़ाई कर रही थी ना खुशी रसोगी लड़ाई कर रही थी ना घर वालों से no, रिकॉर्डिंग हो गई है तेरी लड़ाई की

फोर डी इसमें ए और डी की जो यहाँ से वैल्यू आएंगी वो फिलकर दी नहीं है Fourth term of n AP is equal to three times its first term. कनिष्का क्या लिखूं बच्चे में Sir please repeat.

वन ज्यादा है किससे ट्वाइस न थर्ड टर्म से टू ए थ्री से इसको समझो बच्चे ये समझ आया यस यस ए फोर ए प्लस थ्री डी ए थ्री ए थ्री ए को भी साइड ले आओ ए माइनस थ्री ए माइनस टू ए रह जाएगा बच्चे प्लस थ्री डी इज टू जीरो आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऐसी बच्चे इसको सॉल्व करना है ए सेवन मैंने लाइन खींच ली कि मिक्स में ना हो जाए टू ऐसे ब्रैकेट डाल के ए थ्री ए प्लस टू डी प्लस वन ए प्लस सिक्स डी एज टू ए प्लस फोर डी प्लस वन ए माइनस टू ए माइनस ए सिक्स डी माइनस फोर डी प्लस टू डी टू वन सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिख दो तो बच्चे माइनस ए प्लस टू डी इजिकल टू वन इसको बच्चे टू से इसको वन से मल्टीप्लाई ए एंड डी यू कैन कैलकुलेट यस सर यस, यस सर। वही फाइन करने के लिए बोला इन्होंने हो जाएगा यस yes, सर। इसको को सॉल्व कर लेना कोई डाउट आए तो मुझसे बच्चे पूछ लेना मैं बार बार बोल रहा हूँ पुराने बच्चों को तो पता है न्यू स्टूडेंट्स निधि कनिष्का डरना नहीं है नहीं आता तो पूछ लो ठीक है यस सर आल्सो वो भी न्यू ही है ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको सम सम ऑफ़ सेकंड टर्म एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज थर्टी सम सम का मतलब बीच में प्लस साइन सेकंड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज थर्टी 15 term is one less than twice the जैसे term. Term, so बच्चे इस सम में किया हमने दो इक्वेशंस बनी ए एंडी फाइन किया सेम वे से इसमें भी दो इक्वेशंस बन जाएंगी यू कैन कैलकुलेट एंड डी अपने आप करोगे ये लेंगे

फिफ्टींथ एन ए पी एन एन एपी एम टर्म इज एन एम बच्चे एन दिया हुआ है एन एन टर्म इज एम एन एम गिवन है शो दैट आर टर्म ए आर को बच्चे हमने क्या शो करना है एम प्लस एन माइनस आर ये चीज शो करनी है हमने ए एम शिफा ए एम को क्या लिख सकते हैं शिफा इज देयर और नो आई थिंक नो अर्शिया ए एम सर ए प्लस एल डी एम है यहां पे एम माइनस वन डी इज इक्वल टू एन फर्स्ट इक्वेशन ए एन अर्शिया ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एम यस वेरी गुड फॉर्मूला वही है बच्चे एन के प्लेस पे एम आ गया तो एम आ जाएगा तो एन है तो एन आ, आ जाएगा आर है तो आर आ जाएगा इन दोनों को बच्चे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से ए कैंसल या थोड़ा ध्यान से डी कॉमन ले लिया दोनों में से एम माइनस वन एज लाइक एन माइनस वन माइनस का हो गया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे यहां थोड़ा ध्यान रखना ये स्टेप का कि यहां पे कैसे गड़बड़ ना हो जाए साइन की एन माइनस एम बच्चे यहां वन से माइनस वन कैंसल हो गया व्हाट वी गेट एम माइनस एन इंटू डी इज एन माइनस एम डी की वैल्यू बच्चे यहां से मैं माइनस कॉमन या एक बार ऐसे रख लो चलो एम माइनस एन यही सॉल्व कर देता हूँ माइनस वन कॉमन लिया तो एन माइनस का हो जाएगा एम प्लस का हो जाएगा मैंने एम को पहले लिख दिया जब माइनस कॉमन लेंगे तो एम प्लस का हो जाएगा और एन माइनस का हो जाएगा सेम वे एम माइनस एन This one is cancel. What we get, d is 1 put in equation first first. equation me में karo करो ए प्लस एम माइनस वन डी की वैल्यू बच्चे माइनस वन इज टू n. d की value आई थी ना हमारे पास वो fill करनी है यहाँ पे a minus m, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे एम को तो माइनस एम हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा एन ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे एन एम उस साइड जाके प्लस हो गया उस साइड माइनस हो गया इज़ द वैल्यू एम एन प्लस एम माइनस वन आई है डी की वैल्यू माइनस वन आई थी बच्चे ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास एन प्लस एम एन प्लस एम एन माइनस माइनस वन ये आई थी अब शो क्या करने है बच्चे आठ टर्म करनी है ना ए आर सदफ सदफ कैसा yes, कहा सो जाती है तू नींद आ रही है no, no. मम्मा को करूं फोन में कि आंसर नहीं दे रही आजकल तो जरा पीछे दिखाना पीछे वाला पेज दिखा देता हूँ मुझसे सिंपल वैसे ही है एलिमिनेशन मेथड बस m एंड n की फॉर्म में आ गया यहाँ पे बच्चे गड़बड़ होती है यहाँ माइनस कॉमन लेने में दिक्कत आती है कि ये कैसे ले लिया हमने टर्म्स ऊपर नीचे सेम करनी थी सिर्फ साइन चेंज था ना ऊपर नीचे देखो एम माइनस का यहाँ प्लस का है ऊपर प्लस का एन है नीचे माइनस का एन है चाहे नीचे से माइनस वन कॉमन ले लो चाहे ऊपर से मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो गई आई समझ लग गया बता यस yes. yes, सदफ ए आर एम प्लस एन माइनस आर मैं ए आर का फॉर्मूला पूछ रहा हूं सदफ ए प्लस एन माइनस वन एन एहा पे ये एन है R minus 1d. R minus 1 into d. A. Fill the value this one. N plus m minus 1 plus r minus 1 and d becomes minus 1. Now solve this one. N plus 1 minus 1. Minus 1 into r minus r minus 1 into minus 1 plus 1. 1 and minus 1 is cancelled. Then, what we get? N plus M minus R. That we have to prove. AR. What do you prove? Karna tha, question mein dekho. Yes, sir. Yes, sir. Check the question. M plus N. How do you different difference? Nahi hai uska koi. Understood? Yes. yes, sir. Yes, sir. 16th. 16th, same as like third sum. चेक रीड दर्ड क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन नो डिस्ट इज दियर मैथ इज सेमस एक्सरसाइज टेन बीज कम्पलीटेड नाउस क्वेश्चन का एक आइडिया दे दीजिए किसने पूछा किसने माही स्टंड